हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे रसमलाई। सबकी पसंदीदा रसमलाई जो कभी भी खा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग रसमलाई में कौन सी चीज़ें चाहिए। पिस्ता, बारीक कटी हुई आलमंड, शक्कर, इलायची, नींबू रस, कॉर्नफ्लोर आचार, ये केसर और दूध। इसको बनाने के लिए इनके मेजरमेंट्स हैं: हाफ स्पून कॉर्नफ्लोर आटा, 2 नींबू का रस, 1 कटोरी शक्कर, 1 लीटर दूध चाहिए हमको। हमने यहाँ पे ये कटोरी साइज का मेजरमेंट लिया हुआ है। अभी हम देखेंगे रसमलाई कैसे बनाते हैं। स्टेप 1, अभी हम दूध को उबालेंगे। सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है दूध, 1 लीटर दूध जो हमने निकाल के रखा हुआ है वो हम लोग अच्छे से उबालेंगे। ये दूध गरम के लिए रखा हुआ है, इसको हम लोग गरम रखेंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब देख सकते हो ये दूध उबलने को आ रहा है। हम इसको और 5 मिनट उबालेंगे ताकि दूध थोड़ा थिक हो जाए। दूध उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू, जो हमने साइड गैस बंद करके हम डालेंगे नींबू जो हमने 2 रस निकाला हुआ है। 1 रस जितना नींबू इसमें जाएगा। नींबू का रस डालते हुए ऐसे हिलाते रहिए ताकि मिल्क कर्डल्स हो जाए। आप देख सकते हो अभी इसमें कर्डल्स दिख रहे हैं। ऐसे हिलाते रहिए जब तक कर्डल्स पूरी तरह से बन ना जाए। ये अच्छे से दूध फट चुका है। अब ये पूरी तरह से हो चुका है। अब हम लोग इसको स्ट्रेनर में डालेंगे, स्ट्रेन करेंगे पूरा पानी मेश क्लॉथ यूज करके। कर्डल्स बहुत अच्छे से आ चुके हैं। ठंडा पानी डाल के जितना पानी है फिर से हम लोग पानी निकालेंगे, स्ट्रेन करेंगे पूरी तरह से इस तरह, ताकि बिल्कुल पानी ना रहे। हम इसमें ठंडा पानी डाल रहे ताकि इसमें हमने नींबू रस डाला हुआ, और नींबू रस डालने से खटास आ जाती है, पर ठंडे पानी में डालने के बाद वो खट्टापन नहीं रहेगा। इसके लिए हमने ठंडे पानी में स्ट्रेन किया है वापस। इस तरह पूरी तरह से पानी निकाल दे। आप देख सकते हो पूरा पानी निकाल चुके हैं, और जितना पानी बचेगा वो हम लोग 5 मिनट स्टैंड पे रखेंगे ताकि जितना पानी है वो निकल जाए। इसको बांधने के बाद 5-10 मिनट तक हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अभी इसको हमने 5-10 मिनट रख चुके हैं। आप देख सकते हो अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, जितना भी पानी बचा हुआ था वो निकल चुका है। अभी आटे को ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, अलग करके डो नीट करेंगे इस कॉर्नर से, पाम की मदद से। इस तरह से हम लोग डो बनाएंगे। ऐसे 2 मिनट तक, जब तक आटा थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए, स्मूथ टेक्सचर ना आए, तब तक हम लोग करेंगे। अभी हम इसमें 1/2 स्पून कॉर्नफ्लोर आटा डालेंगे। अभी आप देख सकते हो हमने आटा गूंध दिया है, और इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही स्मूथ है। अभी हम स्मॉल स्मॉल राउंड्स बनाएंगे इस तरह।
छोटी छोटी रसमलाई। इस तरह अब बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है, इसलिए कोई क्रैक्स भी नहीं देख सकते हो आप रसमलाई में। बहुत ही स्मूथ है, इस तरह होनी चाहिए। ये हमने बना दी है सारी रसमलाई छोटी छोटी। एक लीटर के दूध में आप करीबन 10 से 12 रसमलाई बना सकते हैं। अभी हम इसकी चाशनी बनाएंगे। 2 ग्लास पानी डाल चुके हैं हम, और 2 ग्लास के पानी में 1 कटोरी शक्कर डालेंगे। 2 मिनट पानी को उबाल दें और फिर शुगर डाल दें। अभी हम इसमें शुगर डालेंगे, जो 1 कटोरी हमने साइड में रखी थी वो। अभी इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही उबालेंगे। चाशनी बनाने का इसका रेशियो है 1:4:1, 4 कप पानी 1 कप शुगर। जब तक ये चाशनी बन जाए, 15 से 20 मिनट लगेंगे, तब तक हम लोग मलाई बना लेते हैं। मलाई के लिए 1/2 लीटर और दूध चाहिए हमें। ये 1/2 लीटर दूध हमने ले लिया है। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से उबलने देंगे। इसको बहुत गाढ़ा करना है क्योंकि मलाई के लिए चाहिए। इन टोटल हमने 1.5 लीटर दूध लिया, 1 लीटर रसमलाई बनाने के लिए और 1/2 लीटर रसमलाई की मलाई बनाने के लिए। 10 मिनट पानी को उबालने के बाद ऐसे एक एक करके रसमलाई जो हमने बनाई है वो पानी के अंदर डाल दें। हम इसे 10 मिनट और रखेंगे। ढक दे दीजिए। ढक देने के बाद 10 मिनट तक इसको अंदर रखेंगे सिम गैस पे। साइड में जो हमने 1/2 लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा था, आप देख सकते हो ये थिक हो रहा है। हमें और थोड़ा थिक चाहिए, तो हम और 5 मिनट के लिए इसको उबालेंगे। आप देख सकते हो ये गाढ़ा हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें केसर और इलायची डालेंगे। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, सी द थिकनेस इट्स प्रॉपर। अब हम केसर को थोड़े से दूध में डालेंगे ताकि केसर अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद केसर और इलायची इसमें डालेंगे। इस तरह मैंने इसमें थोड़े से दूध में केसर मिला दिया है, और ये केसर डाल, और अब इलायची। ऐसे हिलाते रहिए। केसर और इलायची डालने के बाद और 5 मिनट हम इसे उबालेंगे, ताकि केसर और इलायची का फ्लेवर अच्छे से इस दूध में आ जाए। केसर हमने सिर्फ 4 to 5 स्ट्रैंड्स लिए केसर के, और इलायची 4 से 5। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, इट्स परफेक्ट। अब हम इसमें 2 से 3 स्पून शक्कर डालेंगे ताकि दूध फीका ना रह जाए। अब इसे 10 मिनट के बाद फिर से टर्न कर दें और 5 मिनट और रखेंगे हम लोग। आप देख सकते हो ये रसमलाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैंने इसे सारे टर्न कर दिए रिवर्स साइड, और 5 मिनट रखेंगे हम इसे। अब ये हमारी रसमलाई हो चुकी है और दूध भी अच्छा खासा थिक हो चुका है। अब लास्ट फाइनल प्रोसीजर, हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे थोड़ा फ्रीज होने के लिए, ताकि कूल रहे, और उसके बाद हम रसमलाई सर्व करेंगे। एंड दिस इज हाउ आवर रसमलाई लुक्स लाइक। ये रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर गार्निश के लिए
जो आलमंड बारीक कटी हुई थी वो डालेंगे। और ये थोड़ी सी पिस्ता, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दैट्स हाउ आर रसमलाई लुक्स लाइक। और ये अपनी रसमलाई आप देख सकते हो, इट्स सो सॉफ्ट हो गई।